और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हो रही है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। कंपनी में दिखाने गया तो कंपनी वालों ने पूरी वारंटी लैप्स कर दी। अंधेरे में जो विंडशील्ड लग रहा है, तो इसीलिए अपनी बाइक ठीक हो गई मात्र 7 रुपए में। तो भाई साहब कल एक सीन हो गया, ये देखो, ये मैंने चाबी ऑन की लेकिन DRLs बंद है, क्या करे भाई, इंजन कंट्रोल यूनिट सेल्फ स्टार्ट किया, हेडलाइट बंद है। हेडलाइट तब स्टार्ट होती है जब मैं पासिंग करता हूँ, या हैजार्ड तब स्टार्ट होती है जब मैं पार्किंग लाइट ऑन करता हूँ। लेकिन जो मैंने सिमटेक इंस्टॉल किया है उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, और जो फॉग लैंप मैंने लगाया है वो भी बंद हो गया है, हॉर्न चालू है। तो ये इशू के बारे में मुझे कल पता चला, लेकिन ये हेडलाइट, फॉग लैम्प, ये इंडिकेटर सिमटेक का फ्लैशर, सॉरी, ये सब मुझे कल रात को पता चला जब मैंने बाइक ऑन की कि यार सारी लाइट्स बंद है। कल तक मुझे सिर्फ लगा कि ये ECU का कमांड आ रहा है, तो कंपनी में दिखा देते हैं, तो इसीलिए कल जा तो नहीं पाया मैं, लेकिन मैंने कंपनी में कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो देवर लाइक सर आप जल्दी आके हमको दिखा दो। तो मेरे को भी थोड़ा टेंशन आ गया कि भाई ऐसे क्यों बोल रहा है, कुछ बड़ी बात तो नहीं है। बट कल रात को मुझे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, करण राणा उनका नाम है, उन्होंने मेरे को बताया कि नील भाई तुमने जो टेल टाइडी लगाई है ना उसमें कोई वायर तो कट नहीं हुआ। मैंने बोला नहीं क्यों, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास भी ड्यूक 390 जेन 3 है और मेरे फ्रेंड के पास भी वही है, तो उसकी टेल लाइट चेंज करते वक्त एक वायर कट हो गया था और उस वजह से उसको भी सेम कमांड आया था। कंपनी में दिखाने गया तो कंपनी वालों ने उसकी पूरी वारंटी लैप्स कर दी, पूरी वारंटी कैंसिल हो गई भाई उसकी। अब अपना क्या होता है वो आज देखते हैं। अभी पहले मैं अपना जिम विम का काम निपटा लूँ, उसके बाद दोपहर को मैं सीधा सर्विस सेंटर जाऊँगा। आई होप अपना ऐसा कुछ ना निकले। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हो रही है, ये देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये चाबी निकाली, सीट में डाली, मेरी सीट ही नहीं खुल रही है भाई, ये देखो कहीं से भी नहीं, तो मेरी सीट भी जाम हो गई है, पता नहीं यार क्या दिक्कत आ गई है। अब जितना फोर्स लगता है ना उतना मैंने लगाया, उससे ज़्यादा लगाऊंगा तो यार टूट जाएगी। तो एक हिसाब से बुरी बात तो है, लेकिन अच्छी बात भी है कि यार राइड पे जाते वक्त राइड पे नहीं हुआ ये सब, अगर बीच रास्ते में होता तो फिर मैं करता क्या। वैसे तो मेरे को सीट का इतना काम नहीं है खोल के, लेकिन अगर टूल किट का कुछ काम आया तो अभी एक सेफ साइड टूल किट मेरे को बैग में ही रखना पड़ेगा अगर राइड पे जाऊंगा तो, क्योंकि भाई ये सीट पे तो मेरे को भरोसा अब नहीं है। ये बैक बटन दबा के मैंने वो कमांड तो हटा दिया, लेकिन वो हटने के बाद कोई लाइट वाइट चालू नहीं होती है, प्रॉब्लम है भाई। तो चलिए अब सीधा मिलता हूँ मैं दोपहर को, मेरा जिम विम का सब काम वाम निपटा के, क्लाइंट वाइंट जो भी है सबको सिखा विखा के निकलते हैं, और दोपहर को मिलते हैं जब सर्विस सेंटर जाएंगे तब। तो गाइस गुड आफ्टरनून, अभी निकल गए अपन अंधेरी, सर्विस सेंटर जा रहे हैं। ये जो ECU का प्रॉब्लम दिखा रहा है, अभी तो मैंने बैक बटन दबाया इसलिए वो नहीं दिखा रहा है, ECU का प्रॉब्लम जो दिखा रहा है वो ख़त्म करना है यार, क्योंकि अपने को 2-3 दिन में राइड में निकलना है, 2-3 दिन नहीं 4-5 दिन, और 2-3 दिन में पार्ट्स आ जाएंगे, कल शाम तक तो आ जाने चाहिए,
और संडे को या मंडे को अपन इंस्टॉल करेंगे सारे के सारे पार्ट्स एक साथ इंस्टॉल करके आपको वीडियो डाल दूंगा। वो एक एक नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है वो एक एक वीडियो बनाने का इंस्टॉलेशन का, सारे इंस्टॉलेशन एक साथ देख लो। लेकिन मैं कैसे करते हैं हर एक का इंस्टॉलेशन वो नहीं दिखा पाऊँगा, देखते हैं, चलो डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा बल्की हो गया वीडियो तो फिर मैं उसको ब्रेकडाउन कर दूंगा, वरना नहीं। ओके तो अभी टाइम हो रहा है 3:39 और मैं हूँ लोअर परेल में, तो ट्रैफिक को चीरते हुए अपन पहुँचते हैं सीधा अंधेरी, आपको मिलते हैं वहाँ। चलो भाई जल्दी। तो बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं क्लच का इस्तेमाल करता हूँ, एक्चुअली ये देखो मेरे क्लच में ना प्ले है, तो मैं वो प्ले को ऐसे पकड़ के रखता हूँ, क्लच का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। वो तो मेरी आदत है, पता नहीं अच्छी है बुरी है, लेकिन मुझे पता है नहीं करना चाहिए ऐसे, बट क्लच यूज़ नहीं करता हूँ मैं। और रही बात हाईवे की, तो मैं क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर दोनों यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन अगर पता है मेरे को कि यार ट्रैफिक है, बार बार ब्रेक मारना है, क्लच दबाना है, तो मैं ऐसे पकड़ के रखता हूँ और उसके बाद ऐसे दबा देता हूँ। तो जिन लोगों ने पूछा था, मेरे को नाम शायद याद नहीं है लेकिन उनको पता रहेगा, शायद मंदर ने बोला था, मेरे को मंदर करके एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे को पूछा था, पता नहीं। एंजॉय द रोड। सो गाइज, हम लोग पहुंच गए KTM सर्विस सेंटर अंधेरी, आगे से राइट, सारे नट होंगे टाइट। गंदा वाला था पता है मेरे को, बहुत बुरा था ये, गलती माफ़ी। ये वाला राइट देखते हैं अपने जैसे और दो तीन KTM रहेगी, ड्यूक 390 या 250, सबसे पूछेंगे भाई तेरी गाड़ी को क्या हुआ, बुखार आया, सर्दी हुई, हाल खबर, कुछ ना कुछ तो होता ही है ये मॉडल को, तो टेंशन नहीं। अरे बाप रे, आज तो बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा है 250। तो गाइस सर्विस सेंटर पहुंच गया हूं मैं, अंदर बहुत सारी मतलब ये एडवेंचर और अपनी भी बाइक्स बहुत है, 390 दो तीन 390 तो वाइट होकी हुई पड़ी अंदर। अब अंदर वीडियो लेना अलाउड नहीं इसलिए बताऊंगा नहीं, लेकिन पहले पूछ लेता हूं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो निकाल के अपने को दे दे। बहुत आवाज़ किया भाई। 2 hours later एक अपनी ये आ रही है अंधेरी KTM, ये अपने अमोल भाई, कोई भी प्रॉब्लम रहेगी ना भाई इनको दे दो गाड़ी, ये डॉक्टर है अपने। हाँ सर, एक फ्यूज का बिल है खाली। हाँ भर दिया मैंने, चलो बस वो याद रखो, चलो हाँ वो पक्का, चलो मैं भाई फ्लैशर एक बार चेंज करके देते हैं ना। हाँ मैं पूछता हूँ उसको, बोलता हूँ वारंटी में कुछ करके दे रहा है क्या, बात करता हूँ, चलो। तो आप लोगों ने जैसे सुना प्रॉब्लम क्या हुई थी, हमारा जो लाइटिंग लोड करके एक फ्यूज़ है वो उड़ गया था। तो अमोल भाई का कहना ये है कि अब की जो सिमटेक है ना, मतलब एक बाइक में ऑलरेडी हो चुका है कि सिमटेक का जो फ्लैशर है ना
उसकी वजह से फ्यूज़ मतलब वो लोड का कुछ, तो वो सिमटेक की वजह से वो फ्यूज़ उड़ गया था, मतलब कुछ मैच नहीं हो रहा है या क्या, पर पता नहीं पावर का या कहीं से वायरिंग कुछ शॉर्ट हो गया रहेगा। ये देखो अब अपनी LEDs चालू हो गई, DRL सॉरी, विंडशील्ड में देख के आता है वो। तो मैं ये बोल रहा था कि फॉग लैम्प या सिमटेक का जो फ्लैशर है अपना, उसका अगर कहीं पे शॉर्ट हुआ रहेगा ना तो भी फ्यूज़ उड़ सकता है, मतलब उड़ सकता है कोई भी चीज़ से उड़ सकता है फ्यूज़। तो उन्होंने बताया मेरे को जो एक्स्ट्रा फ्यूज़ है उसको निकाल के वहाँ पे लगाना, लेकिन उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि अगर आपको जमता है तो ही आप करिए, अगर नहीं जमता और आप करने बैठे ना तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बात वही है, जिसका काम उसी को साजे गाइस। आप लोग नहीं आता आप लोगों को अगर तो मत करना, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद ही करो। पता है फ्यूज़ बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है, लेकिन इस छोटी बात में अगर बड़ी बात हो जाएगी तो हमारी बाइक अभी वारंटी में, कुछ भी हो जाएगा ना तो हमारे पे आ जाएगा और कंपनी हाथ ऊपर कर देगी। तो बेटर है कंपनी के पास जाओ और करवाओ। इसलिए अपनी बाइक बैक टू नॉर्मल हो गई है और एक फ्यूज़ चेंज करना था, तो इसीलिए अपनी बाइक ठीक हो गई मात्र 7 रुपये में। और ये देखो अंधेरा आया और ये भाई सामने से आया, अंधेरे में जो विंडशील्ड लग रहा है कैसा दिख रहा है आपको, मास्क। तो साथ में मैंने कूलेंट भी टॉपअप करवा लिया, सीट थोड़ी दिक्कत दे रही थी तो सीट भी सही करवा ली, ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने सही करवा लिया है, चेन वेन टाइट करवा ली। अब बस कल का वेट है क्योंकि बैंगलोर से अपना जो माल है वो कूरियर करने वाले थे, लेकिन सैटरडे संडे कूरियर का थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैंने बोला कि भाई कुछ जल्दी कर दो, मुझे राइड पर भी निकलना है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बस में भेज देता हूँ, आपके वहाँ पर आ जाएगी, आपको सिर्फ कलेक्ट करना पड़ेगा। थूक रहा है साला, कोरोना के बाद भी नहीं सुधरे ये लोग। और बाकी ये जो है ना, ये अपने नेपोलियन मिरर्स के पार्ट्स है, लेकिन मैंने रख दिया ऐसे मस्त, हैंड रेस्ट के लिए काम आ रहा है। यूटिलाइज करो चीज़ें, ये होते हैं रिक्शा वाले। गाड़ी की जो पुल है ना, पुल लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। बाकी यहाँ तक आप लोगों ने अगर ब्लॉग देख लिया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो, चैनल को बनाने में हमारी मदद करो और ऐसे ही जुड़े रहो हमारे साथ नए नए मज़ेदार ब्लॉग्स देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।